Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. कश्मीर तक पहुंचना है और कन्याकुमारी से शुरू किया आपने? कन्याकुमारी से शुरू किया है और कश्मीर तक जाने के लिए हम तय किए हैं। हमारा लीडर चल रहा है, देश का लीडर चल रहा है, राहुल जी पैदल चल रहे हैं। उनके साथ देना मैंने हर कांग्रेस कार्यकर्ता की कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य को मैं निभा रहा हूँ। बस तो जूते भी नहीं पहन रहे आपने, जूते भी त्याग दिए? मेरे लीडर के सॉलिडारिटी में जितना हो सकता है उतना बिना जूते चलना मैं चाहता हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे कारनामे नहीं किया है, मतलब पॉलिटिशियन 3500 किलोमीटर पैदल नहीं चला है देश का अमन के लिए, देश का भाईचारे के लिए, देश का प्रेम को बचाने के लिए कोई लीडर ऐसा चला नहीं है। उनके साथ सॉलिडारिटी में मैं ऐसे चल रहा हूँ। अच्छा चंदी साहब, आप चल रहे हैं 2000 किलोमीटर से तो अधिक चल भी चुके हैं। हाँ। तो रास्ते भर में लोग आपको देखने मिलने, हाँ, और उनसे संवाद भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। हाँ। क्या फर्क लग रहा है? कुछ लग रहा है कि वो जो जिस भावना से यात्रा निकली है उसका कामयाब हो रही है? जरूर कामयाब हो रहे हैं। आप देखो ना, छोटे छोटे बच्चे, मैं बच्चों को मानता हूँ सबसे इसमें, लाखों बच्चे कन्याकुमारी से लेकर मध्य प्रदेश इंदौर तक, लाखों बच्चे राहुल गांधी का नाम ले रहे, लाखों बच्चे राहुल जी हमारा लीडर बोल रहे, भारत जोड़ो बोल रहे, नफरत छोड़ो बोल रहे। देखो अगली जो पीढ़ी है वो समझता है इस देश का अभी का हालत के बारे में, तो बच्चे समेत, युवा समेत, बुजुर्ग समेत, सब लोग इस यात्रा से जुड़ रहे। और ऐसा लीडर कहाँ मिलेगा जो पैदल चल रहा है और सबके बात सुनने के लिए, आपका उनकी बात वो बोल नहीं रहे, सबका बात सुनने के लिए एक लीडर है। जैसे आप राहुल जी की बात कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा भी था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनको रिडिक्यूल बहुत किया गया, तो अब क्या देखते हैं आप? कोई ट्रांसफॉर्मेशन उस इमेज में हुआ है? अबे आप कुछ बोल रहे हैं? कुछ बोल नहीं रहे ना, चुप हो गए ना, जो बोल रहे थे अब चुप हो गया, क्योंकि सच वही नहीं है। सच वही है, इस देश के लिए कोई एक लीडर है, वो राहुल गांधी सिर्फ एक लीडर है जो सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं इस देश के लिए, काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए चल रहा है, देश के लिए चल रहे हैं। लेकिन देश में चेंज तो पॉलिटिकल सिस्टम से ही आएगा, तो क्या इस यात्रा का पॉलिटिकल फायदा भी मिलेगा? नहीं, इस यात्रा राहुल जी ने बहुत क्लियरली बोला है, सिर्फ पॉलिटिकल इरादे नहीं है, इस यात्रा इस देश को एक बनाने के लिए, प्रेम लेके आने के लिए, भाईचारे लेके आने के लिए, अमन के लिए, तो इसमें सब लोग जुड़ सकते हैं। अभी देखो पीछे, अभी हम पीछे बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन से मिला, वो मुझे लगता है लेफ्ट वाले हैं, वो लोग भी जुड़ा है। केरला के बाद सीपीएम जुड़ा है, एनसीपी जुड़ा है, शिवसेना के लोग जुड़ा है, तो हर किस्म के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी से लोग है, एकता परिषद है, सो जो भी अमन चाहता है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं। इस यात्रा का पॉलिटिकल मकसद नहीं है, इस यात्रा का मकसद है इस देश को एक बनाना, और जो लोग बहुत जिनका दिक्कत हो रहा है महंगाई से, जिनका दिक्कत हो रहा है बेरोजगारी से, जिनका दिक्कत हो रहा है इस समाज में नफरत फैलाने के दिक्कत झेल रहे, वो सब लोगों के लिए यात्रा हो रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।